आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे रोहित सूद द ड्रीम मेकर्स। और मैं आज एक बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आया हूँ जो कि मेरे को मैंने जर्मनी से मंगवाई है दोस्तों, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितनी खुशी है अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल रोहित सूद द ड्रीम मेकर। दोस्तों मैं खोलने जा रहा हूँ आपके लिए, इट्स अ बिग सरप्राइज। आज की डेट में ये चीज़ मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मुझे लगता है 20 साल तो से इसके प्रोडक्शन को बंद हुए हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देखिए दोस्तों, तो ये वो चीज़ है दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और दोस्तों ये है आइवा का HSJS385YZ1 सिल्वर कलर का मॉडल। तो लेट्स ओपन इट। इसके साथ मुझे एक नोट शो पर्सनल नोट एक मेरे को भेजा है मिस्टर अलेक्जेंडर ने। डियर रोहित, होप यू लाइक द प्रेजेंट एंड विल एंजॉय सम गुड म्यूजिक विद इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों अब इसको ओपन करूँगा मैं। आइवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड टोक्यो जापान का मॉडल है, जापान की कंपनी है। लेट्स ओपन इट। वाओ, तो ये है दोस्तों, ये इसके साथ इसके एयरफोन है आइवा के लिए, और ये इसका कॉलर माइक है विच इज यूजफुल इन फॉर द स्टीरियो रिकॉर्डिंग। टीवी में साइड में रख लेता हूँ। ये किसका पाउच है दोस्तों, इसके पीछे आप रख सकते हो इसकी एक्सेसरीज वगैरह रख सकते हो। पर अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम कैटलॉग्स, आइवा वारंटी इंफॉर्मेशन है, आइवा के वर्ल्ड वाइड सर्विस सेंटर है उनकी लिस्ट है इसमें। दिस इज अगेन यूजर मैनुअल बट इन जर्मन लैंग्वेज, और ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज में ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। मैनी लैंग्वेजेस में है, तो इंग्लिश भी वन ऑफ द लैंग्वेज इज इंग्लिश। लेट्स कीप इट असाइड। ये भी एक यूजर मैनुअल है, एंड दैट्स इट दोस्तों, यही है इसके। अब इसको मैं चला के आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फ्रेंड्स ये है मेरा आइवा का GS385 वॉकमैन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेड इन इंडोनेशिया है, मॉडल है HSJ385। अपर प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द रिकॉर्ड बटन, ये नॉर्मल प्ले है। इट्स ऑटो रिवर्स फॉर बोथ द साइड्स। इट इज शोइंग द डायरेक्शन कि फॉरवर्ड चल रही है रिवर्स चल रही है कैसे, तो इट इज शोइंग लाइक दिस। और ये स्टॉप है, ये रिवाइंड है, एंड दिस इज द फॉरवर्ड, और ये बेसिकली एक दिस इज फॉर द पॉज। ये दो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और इसमें ये बेसिकली स्पीकर्स के प्रोफाइल हैं। सुपर बेस जो है ये आपका चलेगा सिर्फ हेडफोन्स ईयरफोन्स के साथ। इसको आप सुपर बेस को ऑफ कर सकते हो यहाँ से, देन स्पीकर ऑन, दोनों स्पीकर से वॉइस आएगी। और ये रहा आपका वाइड, तो थोड़ा यू विल गेट इस स्टीरियोफोनिक साउंड फ्रॉम बोथ द स्पीकर, थोड़ा वाइडर और राउंडर साउंड आपको मिलेगी। दिस इज द इनबिल्ट माइक्रोफोन दोस्तों। ये दो आउटलेट्स हैं, वन फॉर द एक्सटर्नल माइक, ये इसका ईयरफोन के लिए सॉकेट है। और ये बेसिकली आपने अभी तो क्योंकि डिजिटल हो गया सारा कुछ, तो डिजिटल रेडियोज आ गए हैं, डिजिटल सब कुछ आ गया, बट दिस इज़ द एनालॉग वर्जन। जो निडल वाला रेडियो था आप यहाँ से ट्यून कर सकते हैं इस तरह से। दिस इज यू कैन यूज़ एक्सटर्नल अडेप्टर ऑफ 3V DC अडेप्टर, तो आप यहाँ से एक्सटर्नल पावर भी ले सकते हैं। एयर गार्ड इसमें दिया हुआ है बेसिकली टू सेव योर हियरिंग। टू लेवल्स ऑफ एयर गार्ड, 1 और 2। दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसका देखिए एनालॉग टाइप है, नॉट डिजिटल। एंड ये आपका कैसेट सिलेक्टर है, मोनो स्टीरियो
और आप दो ऑप्शंस हैं, मोनो स्टीरियो या मेटल और नॉर्मल टेप्स आप चला सकते हैं। और यहाँ पे इसका ये आपका बैटरी के लिए है, यहाँ से आप बेसिकली बैटरी 2 AA साइज बैटरीज इसमें डलेंगी। जिसका बैक प्रोफाइल रहा दोस्तों, यहाँ से इसे ओपन करेंगे और बेसिकली यहाँ से ये इसका मैकेनिज्म है दोस्तों। के अंदर भी एक फंक्शन है, ये आपका ऑटो रिवर्स का है। अगर आप इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो एक कंटिन्यू ऑटो रिवर्स करता रहेगा, कैसेट आपकी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और अगर आप इसे इस डायरेक्शन में रख देंगे तो आपकी जो कैसेट है वो साइड ए के बाद रिवर्स साइड भी चलेगी, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट स्विच्ड ऑफ। अभी मैं इसमें कुछ आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द एफएम रेडियो। ब्यूटीफुल साउंड। तो मैं कैसेट भी इसमें थोड़ा सा प्ले करूँगा, ज़्यादा नहीं प्ले करूँगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। तो एक कैसेट में इंसर्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। लेट्स क्लोज इट। फॉरवर्ड डायरेक्शन है।